बैंगन बहुत से लोगों को पसंद होते हैं और बहुत से लोगों को नहीं, लेकिन आई एम श्योर आज की रेसिपी देखने के बाद आप इस रेसिपी को एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं शुगुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जायका। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बैंगन ले लिया है। बैंगन के हमें यहाँ पर थिक स्लाइसेस करने हैं। ध्यान रहे कि हमें यहाँ पर स्लाइसेस थिक ही चाहिए, पतला स्लाइस नहीं करना है। तो अब हम मसाले लेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून बेसन। आप चाहें तो इसमें अमचूर भी डाल सकते हैं और इन्हें अच्छी तरह मिला लेंगे। अब हम इस ड्राई मिक्सचर में बैंगन के स्लाइसेस को अच्छी तरह कोट करेंगे। कोट करने से सभी मसाले और बेसन मॉइस्चर रिलीज करेंगे, जिससे सारे मसाले इसमें आसानी से अब्जॉर्ब हो जाएंगे। देखिए, हमने सभी स्लाइसेस को कोट कर लिया है। अब हम इन्हें 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। पैन में तेल गर्म हो जाने के बाद हम इसमें एक एक करके स्लाइसेस ऐड करेंगे। अब इसे लो फ्लेम पर शैलो फ्राई करेंगे। अब इन पर थोड़ा तेल लगाएंगे। अब हम इन्हें पलट देंगे, जिससे ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह फ्राई हो जाए। लो फ्लेम पर इन्हें फ्राई करेंगे। तो देखिए, बैंगन तवा फ्राई बनकर तैयार है।